हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ डायरी। तो आज हमारे वीडियो का टॉपिक है पल्स ऑक्सीमीटर। इस कोरोना टाइम पीरियड में हर किसी के घर में पल्स ऑक्सीमीटर है। हर कोई सजेस्ट करता है कि पल्स ऑक्सीमीटर ले लो, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि पल्स ऑक्सीमीटर हम क्यों ले लें और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर हमारी ब्लड में जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है वो पता करने के काम आता है, और उसी से ही हमें पता चलता है कि अंदर हमारे लंग्स कितने एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, कि हमें ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो रही। कोरोना की जो सेकेंड वेव आई है तो उसमें हमारे ब्लड में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा लेवल कम हो जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कंडीशन हो जा रही है। आइए देखते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर के क्या फंक्शंस हैं और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर एक फिंगर इंसर्ट होल दिया हुआ है। इस इंसर्ट होल को हम बोलते हैं लैंडयार्ड लूप होल, ठीक है। इसमें हमें यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है जिससे कि हम पावर ऑन करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फिंगर यूज करेंगे। एक सिंगल फिंगर से ही हम अपनी पूरी ब्लड की ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल मेजर कर सकते हैं। तो अब इसको अच्छे से पूरी तरीके से अंदर तक डालेंगे और अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे। फिर इसके बाद इस बटन को ऑन कर देंगे। अब ये ऑन होने लगा, और जब ये ऑन होने के बाद इसको हम 2 to 3 सेकेंड इसका वेट करेंगे कि ये रीडिंग्स ले ले। आपने देखा अभी मेरी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 99, 98, 97 ऐसे करके काउंट कर रहा है। तो अभी 97 पर स्टेबल हो गई। 97 मेरी ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है और ये मेरी पल्स रेट है जो कि अभी 80 शो कर रहा है। जो ये ग्राफ है जो ऊपर नीचे बढ़ रहा है, ये पल्स रेट ग्राफ है। बीच में आपने देखा ये लिखा है PI%, इसको बोलते हैं हम परफ्यूजन इंडेक्स। परफ्यूजन इंडेक्स जो है वो हमारी 0.2% से 20% रहती है। यदि हमारी पल्सेस वीक होती हैं तो वो 0.2 के अराउंड रहती है, और यदि हाई पल्सेस होती हैं तो वो 20% की। तो मेरी यहाँ नॉर्मल एक एवरेज रेट आ रही है, तो उसमें हमारी 2.1, 2.2 इस तरीके से फ्लक्चुएट कर रही है। और जो ये नीचे ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ को हम बोलते हैं प्लेथिस्मोग्राफ, ठीक है। तो ये प्लेथिस्मोग्राफ क्या होता है, ये हमारी ब्लड वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, कोई भी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं तो इसको शो करता है। नॉर्मली जो हमारी ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है वो 95% या 95% से ऊपर होनी चाहिए। यदि हमें देखने को मिलता है कि हमारी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है वो 95 से कम जा रही है, 94 या उससे भी कम जा रही है, तो ये खतरे की घंटी हो सकती है। तो इसलिए हमेशा टाइम टू टाइम विद इन 3 to 4 आवर्स इसको बार बार आपको मेजर करना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही और आपकी ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो परफेक्ट है या नहीं। ये एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है, तो इसमें जो बैटरी है वो यहाँ पीछे से लगती है। ये इस तरीके से है, देख सकते हैं आप। इसमें 2 AAA के बैटरीज लगती हैं और इसको आप ऐसे बंद कर सकते हैं। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमें इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज करना चाहिए, कैसे नहीं यूज करना चाहिए। यदि आप ये सारे प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं तो आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जरूर परफेक्ट आएगी। और अच्छे से इसको मेजर करिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।